पाकिस्तान ने दूसरी बार कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने से किया इनकार। आईसीजे ने फांसी पर लगाई है रोक। मंदी को लेकर सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना, कहा आर्थिक हालात गंभीर, जनादेश का हो रहा दुरुपयोग। कश्मीर घाटी में फिदायीन हमले को लेकर अलर्ट जारी, बांदीपुरा में लश्कर के आतंकी छिपे होने की खबर। उन्नाव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट में धमाका, आग पर काबू पाया गया। यूपी में आजम खान की पत्नी और बेटों पर दर्ज हुए एफआईआर, सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप। पहली खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को दूसरी बार काउंसलर एक्सेस देने से इनकार कर दिया है। इसके बारे में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि कुलभूषण जाधव को दूसरी बार काउंसलर एक्सेस नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि 49 वर्षीय जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद भारत ने आईसीजे पहुंचकर उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। अब भारत को कामयाबी भी मिली। बता दें कि हाल ही में जाधव से भारत के उप उच्चायुक्त गौरव आहलुवालिया ने मुलाकात की थी। ये मुलाकात हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई थी जिसमें अदालत ने जाधव के फांसी पर रोक लगाते हुए उन्हें काउंसलर एक्सेस देने की बात कही थी। दूसरी खबर, सोनिया गांधी के पार्टी की दोबारा कमान संभालने के बाद अब आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को चिंताजनक बताते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार आर्थिक हालात से देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी समेत सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। राहुल गांधी इस बैठक में नहीं पहुंचे। सोनिया गांधी ने सरकार पर आर्थिक हालात पर ध्यान देने की बजाय बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा आर्थिक स्थिति गंभीर है, घाटा बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास डोल रहा है। आर्थिक नुकसान से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार केवल बदले की राजनीति में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, बेहद खतरनाक तरीके से जनादेश का दुरुपयोग किया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि कश्मीर घाटी के बांदीपुरा में लश्कर ए तोयबा के साथ आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इसी के मद्देनजर घाटी में सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी आत्मघाती हमला करने की फिराक में है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बॉर्डर से सटे लखनपुर में हथियारों से भरा ट्रक पकड़ा गया। हथियारों के साथ तीन संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये ट्रक पंजाब से कश्मीर घाटी जा रहा था। जिस ट्रक को पकड़ा गया उससे 5 AK-47 राइफलें भी पकड़ी गई हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से सुरक्षा बल बेहद मुस्तैद हैं। खुफिया एजेंसियों की ओर से भी लगातार बड़ी साजिश के इनपुट मिल रहे हैं। चौथी खबर आपको बता दें कि उन्नाव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया। वाल्व लीक होने की वजह से तेज धमाके के साथ टैंक फट गया। धमाके से लगी आग पर काबू पाने की फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। लखनऊ से भी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके के लिए बुलाई गई थी। अचानक हुए धमाके से धमाके के बाद प्लांट में भगदड़ मच गई थी। यूपी आईजी प्रवीण कुमार का कहना है कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। लखनऊ से कानपुर उन्नाव जाने वाली रोकी गई सभी ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। आग लगने से 3 लोग सामान्य रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
पांचवी और आखिरी खबर आपको बता दें कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और दोनों बेटों अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम के खिलाफ हमसफर रिसोर्ट के लिए सरकारी जमीन कब्जा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्यसभा सदस्य तंजीन फातिमा, विधायक अब्दुल्ला आजम और आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम पर धारा 447 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 2 और 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने जिला अधिकारी से शिकायत की थी, जिस पर जांच के बाद नायब तहसीलदार कृष्ण गोपाल मिश्रा ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले आजम खान की पत्नी सांसद तंजीन फातिमा और उनके दोनों बेटों को पुलिस ने नोटिस जारी किया था। इन पर किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करके उसे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के अंदर मिलाने का आरोप है। उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया था। फिलहाल आजम खान कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। उनके परिवार के लोग समाजवादी पार्टी के नेता सत्ताधारी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।